मुकेश सहनी को एकदम जाना जेल तय है। सनम मल्ला नहीं है, वो ठग ऑफ बल्ला है। सिर्फ कुर्सी के लालच में सहनी बन गए कि मुकेश सहनी किसी का नहीं है। चारा घोटाला सा बड़ा घोटाला करने के काम किए हैं। उत्तर प्रदेश में जाके 3 करोड़ का एडवर्टाइज दिए। इसमें जांच हो तो मुकेश सहनी कितने बड़े बेईमान है। बिहार की राजनीति में इन दिनों घमासान छिड़ा है। बीजेपी और वीआईपी में बयानबाजी जारी है, लेकिन इस बीच मंत्री मुकेश सहनी के अपने ही परिवार में दरार देखने को मिल रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी के छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष विकास बॉक्सर हैं हमारे साथ, जिन्होंने अपने पार्टी के सुप्रीमो पर बहुत सारे बड़े और संगीन आरोप लगाए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए खुद विकास यादव मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। विकास जी, कौन सी बात हो गई कि आप मुकेश सहनी के ऊपर हमलावर हो? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। बात ऐसा है कि वो मुकेश सहनी जो अपने आप को सनम मल्ला कहते हैं, वो सनम मल्ला नहीं है, वो ठग ऑफ बल्ला है। वो मुंबई में 20 साल रहकर राज ठाकरे का जो खून उनके अंदर दौड़ने लगा है, वो बिहार में आकर सोचे कि मुकेश सोनी से मुकेश सहनी बन जाए और मुकेश सहनी बन के बिहार के मल्लाहों को ठग ले। उन्होंने क्या किया? 2 साल 3 साल 4 साल पुराना पार्टी था, 2 साल पहले हमने ज्वाइन किया। मौर्य लोक में आपने देखा होगा कि वहां पर जाने के बाद बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में से उठ कर बोलने कि राजद ने हमारे पीठ में छुरा भोंक दिया। सब प्री प्लान था। बिहार की जनता जाननी चाहिए कि ये मुकेश सोनी और मुकेश सहनी के बीच का क्या खेल है। मुकेश सोनी का एक अलग जात होता है, ये अपने आप को जात में भंजाने के लिए मुकेश सहनी बन गए कि मतलब बिहार में आएंगे, यहाँ के मल्लाहों को अपना दिखाएंगे, मतलब ये करो वो करो थोड़ा बहुत कि हम आपके नेता है, मसीहा बन सकते, आपका कोई नेता नहीं है, हम ही एक तो है, ये दिखाकर यहाँ के मल्लाहों को उन्होंने ठगने का काम किया है। मुंबई में जब से ये 20 साल से रहे हैं, 15-20 साल वहां पर रहे, उनके बाद से इनके रगों में वहाँ के ठाकरे का खून दौड़ने लगा जो बिहारी से नफरत करते हैं। बिहार में ये आए, इनके प्रति इनके मन में भी वही भाव था, लेकिन ये क्या किए, यहाँ पे आने के बाद यहाँ के सबसे पहले मल्लाहों को ठगने का काम किया। मल्लाह का बेटा झूठ नहीं बोलता है, जुमला नहीं देता है, लेकिन ये इतना बड़ा झूठा नेता है, इतने बड़े जुमलेबाज है कि कल तक इनको ये थी महागठबंधन के साथ में थे, फिर पार्टी फिर वो बदल कर पाला बदल के एनडीए और एनडीए के साथ चले गए और उस मंच से बोल रहे थे कि आरएसएस है बीजेपी का जो विचारधारा है उस विचारधाराओं के हम मानने वाले लोग हैं। अब बोलते हैं कि अब आरएसएस बीजेपी के पक्ष विचारधारा तो कुछ है ही नहीं, हम तो अब लालू यादव की विचारधारा पे चलेंगे। तीन से बड़ा जुमलेबाज कोई है? इनसे बड़ा कोई जुमलेबाज पूरे बिहार में नहीं है। पहले तेजस्वी को कहा उन्होंने कि पीठ में खंजर घोप दिया, और अब कह रहे हैं अचानक से तेजस्वी के लिए प्रेम उमड़ने लगा। ये सत्ता के लोभी इंसान है, ये जात को भंजाकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं और सत्ता हासिल करके करोड़ों अरबों रुपया कमाकर फिर से मुंबई भाग जाएंगे। आपका कहना है कि कुर्सी की लालच में मुकेश सहनी ऐसा कर रहे हैं? सिर्फ कुर्सी के लालच में आज बिहारी पार्टी में 3 विधायक बचे हुए हैं, वो 3 विधायक साहब जाके पूछ लीजिए कौन इनके साथ हैं, कोई इनके साथ नहीं। सबको पता चल चुका है कि मुकेश सहनी सत्ता का लोभी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसलिए आज वो बोल रहे हैं कि अब देख रहे हैं कि रिचार्ज कूपन है, देख रहे हैं कि 4-5 महीने बाद MLC का पद चला जाएगा, हटा दिया जाएगा भाजपा के द्वारा, मंत्रिमंडल में रहेंगे नहीं, इसलिए तो SP भाई हो गया। कल तक वो दुश्मन था, कल तक खंजर भूखा था, कल तक अपने समाज को ठग रहे थे बोल के कि हमको अति पिछड़ा के बेटा को ठग लिया। अरे आपने अति पिछड़ा को ठगा है, अति पिछड़ा के साथ पिछड़ा जो भी समाज के लोग आपके साथ आप पे भरोसा करके आपके साथ जुड़े थे, आपने उनको ठगने का काम किया है। आपको बिहार की जनता जवाब देगा, आपको बोरिया बिस्तर बांध के फिर मुंबई भगाने का काम चालू होगा। आपको क्या लगता है बीजेपी वापस उनको नहीं भेजेगी सदन में? कुछ नहीं भेजेगा, बीजेपी जान चुका है कि मुकेश सहनी किसी का नहीं है, मुकेश सहनी सत्ता का लोभी है, बीजेपी को पता चल चुका है, इधर RJD को भी पता है कि सत्ता के लोभी है। अब देखिएगा ये डगरा के बैगन बनकर रह जाएंगे, ना रहेंगे ये RJD में, इनको लेगा कोई और ना ये भाजपा में रहेंगे, बस कुछ दिनों का मेहमान है, 4-5 महीने का। अब देखिएगा जैसे ही कूपन खत्म होगा वैसे ही इनका बुढ़िया बिस्तर बांधेंगे और लौट चलेंगे मुंबई, वापस से मुंबई जाएंगे, एकदम मुंबई जाएंगे। इस बीच आपने और भी बहुत सारे आरोप लगाए हैं, जैसे विभाग में जो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो रही थी, जो बातें सामने निकल कर आई हैं उस पर भी जाना, ये क्या ट्रांसफर पोस्टिंग का कौन सा खेल? देखिए बात ऐसा है कि 1 साल के मंत्रिमंडल में, 1 साल जब से ये मंत्रिमंडल का बिहार पशु एवं मत्स्य मंत्रालय जो संभाले हैं, उसमें इन्होंने क्या किया है कि सत्ता मिलने के कुर्सी मिलने के 3-4 महीने के बाद इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग का काम चालू कर दिया जुलाई में, ठीक है। ये 109 लोगों का लिस्ट है, 109 लोगों का जो मेरे पास पहला लिस्ट है, इसके बाद बहुत सारा लिस्ट निकलते रहा, और जो भी इनके द्वारा काम जो अनुशंसा किया गया है पूरे बिहार भर में इनके पशुपालन विभाग में, सब में इन करप्शन किए हैं, सब में अगर सही तरीके से अगर जांच कर लिया जाए तो ये चारा घोटाला सा बड़ा घोटाला करने के काम किए हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम लोग आग्रह करते हैं कि आप जांच बिठाइए,
जांच जैसे ही बैठेगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये जो अब जो हवा में उड़ रहे हैं ना कि हम मंत्री रहेंगे यहाँ नहीं रहेंगे तो हम बॉस हैं तो हम मल्लाह के नेता नहीं, मल्लाह को ठगने का काम किए हैं। मल्लाह समाज तो इतना अच्छा है कि इनको नेता मान लिया, सोचा कि कुछ गरीबों का भला होगा, मल्लाहों का भला होगा, निषाद समुदाय का भला होगा, लेकिन उनको अपने जात के ठगने का काम किए हैं। आप कह रहे हैं मुकेश सहनी भ्रष्टाचार किए हैं और इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया कि आपने बोलते बोलते ये कह दिया कि लालू से बड़ा भ्रष्टाचार कहे कि चारा घोटाला से, तो फिर तो मुंबई नहीं जेल जाएंगे, एकदम जाना जेल तय है। मुकेश सहनी जी को जिस दिन सत्ता के कुर्सी पर से उतरेंगे, अगर ये जांच हो गया ट्रांसफर पोस्टिंग का काम, इसके बाद जो भी इनके विभाग में इनके द्वारा जो अनुशंसा जो काम का किया गया है, जो इनके मुंबई का जो टीम है जो काम इनके इर्द गिर्द मिलकर कर रहा है, आप इनके आवास पे जाइएगा ना बाहर तो आपको कूपन कटेगा, पूछा जाएगा क्या काम है। अगर आप बोलेंगे कि ये काम है किसी से पैरवी करवाना है, किसी को फ़ोन करना है, तो उसके लिए आपको पैसे लगेंगे। अब पैसे दीजिएगा तभी आपको अंदर एंट्री है, नहीं दीजिएगा तो कोई आपको अंदर एंट्री नहीं है। अभी तो लगातार मंत्री जी आपको तभी फ़ोन करेंगे ना, मंत्री जी तभी फ़ोन करेंगे जब उनके पैकेट में उनके जो PS हैं वहाँ बैठे रहेंगे, मुंबई की टीम रखेंगे पैसे पैकेट में, उसके बाद बोलेंगे ठीक है आपका काम हो जाएगा। अभी तो मंत्री जी के आवास के बाहर भीड़ लगी है, टिकट बट रहे हैं, सब पैसों का खेल है। उत्तर प्रदेश में क्या कहिए, यहाँ के करोड़ रुपया गमन करके अपने विभाग से उत्तर प्रदेश में जाके 3 करोड़ का 2 करोड़ का एडवर्टाइज दिए, उसके बाद क्या किया, वहाँ के निषाद समुदाय समझ गए, वहाँ के जो मल्लाह समाज के जाति के जो लोग थे वो समझ गए कि ये ठग मल्लाह है। बिहार में सभी लोगों को आरक्षण के नाम पर ठग लिया कि हमको आरक्षण दिलवाएंगे, बीजेपी में आने के बाद कठपुतली बन गया, दिलाया किसी को आरक्षण, क्या किस मल्लाह समाज के नेता के लिए ये सड़क पर संघर्ष किया होगा, किसके लिए डंटा खाया होगा, किसके लिए जेल गया होगा, सीधा हेलीकॉप्टर वाले नेता हैं, AC में बैठने वाले नेता हैं, AC सिलेक्शन का बात नहीं होता है। जमीन पर संघर्ष करेंगे मल्लाह समाज के लिए तो मानेंगे कि हाँ मुकेश सहनी मल्लाहों का नेता है, लेकिन जमीन पर संघर्ष करने वाले नहीं है, जमीन से मिले जाएंगे तो कंडीशन में बैठे रहेंगे। पिछले सप्ताह मुकेश सहनी हमारे साथ थे, हम उनसे बात कर रहे थे, उनका कहना है कि वो मल्लाहों के अपने समाज के बड़े नेता हैं। उन्होंने बोलते बोलते ये भी कहा कि अगर मुकेश सहनी अगर चाह जाते तो अजय निषाद चुनाव हार जाते, उन्होंने छोड़ दिया इसलिए अजय निषाद मुजफ्फरपुर से सांसद बन गए, इसमें क्या कहना है? सुनिए एक बात बता दे, कम्फेट में एक वैकेंसी निकला इनके विभाग का, अभी रुका हुआ है, किसने रुका हुआ है, 140-145 वैकेंसी का वो रिक्वायरमेंट था, क्यों रुका हुआ है, पैसों के लिए। अजय निषाद जी ने जो अपना बात उठाया है और बिल्कुल सत्य उठाया है, वो नेता बन सकते हैं जो सड़क पर संघर्ष करके सांसद बने, विधायक बने, जैसे इन्हीं के पार्टी, इनके पास मल्लाह समाज को नेता तो सबसे पहले है नहीं, जैसे पहले में थे मुकेश निषाद जी थे, अशोक चौहान जी थे, गौतम बीन जी और भी बहुत सारे नेता ऐसे थे इनके समाज के, आज ये अकेले हैं। क्यों अकेले हैं, दोनों भाई बस हैं, मुकेश सोनी है, एक संतोष सोनी है, इनके अलावा इनके पास कोई नहीं है। यानी कि क्यों नहीं है, क्योंकि ये सब जान चुके हैं, वहाँ पे सिर्फ पेडिंग स्टाफ आपको मिलेगा, सब जान चुके हैं कि ठग और मल्लाह हैं, ठगने वाले सिर्फ मल्लाह समाज को ठगे हैं वो निषाद भाई। जो पार्टी खड़ी हो रही है विकास बॉक्सर, उस पार्टी पे ही परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। देखिए ये सच्चाई बात है, परिवारवाद का आरोप नहीं है, वो तो सीधा खास तौर पर है कि वो सब लोग देख रहे हैं, पूरे बिहार की जनता देख रही है, उनके समाज के लोग भी जानते हैं। देखिए सब लोग एक तरीके के नहीं होते हैं, वहाँ पर कुछ फिटिंग स्टाफ है, लेकिन जो रियल अपने समाज के मसीहा है, मल्लाहों के मसीहा है, जो नेता है, जो सड़क पर संघर्ष किए हैं, डंटा खाए हैं उनके समाज के हितों के लिए, उनका रक्षण के लिए, तो उन लोगों के नेता मानेगा ना। ये AC वाला हेलीकॉप्टर से मुंबई से उड़ के आया है अपना दरभंगा बिहार और यहाँ बोले कि हम मल्लाह के नेता है, ये कैसे होगा भाई। मुकेश सहनी के घर और परिवार की बात को विकास बॉक्सर सड़क पे लेके आए हैं, तो विकास बॉक्सर पे भी कार्रवाई हो जाएगी। देखिए अब वो मंत्री है, अभी तो 4-5 नए मंत्री हैं, हो सकता है हम पे कोई केस मुकदमा करें, या तो हो सके अभी तो हमको तो पार्टी से निष्कासित करेंगे वो तो तय है, उसके बाद हो सके हम पे केस मुकदमा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। इस मामला को हम लोग चाहेंगे, इसको तो राजभवन में इस कॉपी को भेजेंगे जांच के लिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास ही भेजेंगे, इस पर जाँच हो, बस सिर्फ जाँच हो जाए, हम ये नहीं कह रहे कि आपने पैसा लिया, आप एक बार जाँच करवा दीजिए तो पता चल जाएगा, सीधा तौर पर जाँच करवाएंगे तो उजागर हो जाएगा ना कि आपने कितना पैसा लिया, किस मेरिट के आधार पर आपने इसको ट्रांसफर किया है। इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहते हैं, कृपया करके इस पर जांच बैठा दिया जाए, इनके विभाग में जो भी काम हुआ एक साल में 12 महीने में उन सब पर जांच किया जाए, इससे पता चल जाएगा कि मुकेश सहनी कितने बड़े बेईमान हैं। मुकेश सहनी से बड़ा बेईमान कोई नहीं है, वो सिर्फ ठगने का काम करते हैं, चाहे अपने जाति को ठगे, चाहे अपने निषाद समुदाय के भाइयों को ठगे, सिर्फ ठगे हैं, इसके अलावा कुछ काम नहीं किए। तो ये थे हमारे साथ मुकेश सहनी की पार्टी के युवा नेता विकास बॉक्सर, जिन्होंने अपने पार्टी की सुप्रीमो के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए हैं। खैर ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि मुकेश सहनी के विभाग में
क्या सचमुच में ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए पैसे लिए गए। कैमरामैन बाबर अली के साथ मैं अजय दीप चौहान, ट्रेंडिंग बिहार, पटना।